नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेंड न्यूज में। मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। खबर है आर्यन खान को लेकर, समीर वानखेड़े और शाहरुख खान को लेकर भी, जिसमें शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच व्हाट्सएप पर उस दौरान क्या बातचीत हुई, अब वो सामने आ गई है। मामला कोर्ट में पहुंचा है। खुद को घिरता हुआ देखकर समीर वानखेड़े ने अब तगड़ा पलटवार किया और पलटवार सबूतों के साथ। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल समीर वानखेड़े का यह हमला ऐसे वक्त में भी आया है जब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। यह पूरा मामला साल 2021 का है, जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बारे में कथित तौर पर 25 करोड़ की रकम मांगने की बात कही गई थी। यह आरोप लगाया गया था, जिसके बाद समीर वानखेड़े के ऊपर सीबीआई का शिकंजा जो है वो लगातार कसता जा रहा था। इस शिकंजे से बचने के लिए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। और गौर करने वाली बात यह भी है कि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी था, जहां पर 22 मई तक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया था। और यह संरक्षण तब दिया गया था जब सीबीआई के बुलाने के बावजूद, सीबीआई के समन के बावजूद भी समीर वानखेड़े जो है वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए उस दौरान क्या बात हुई शाहरुख खान से व्हाट्सएप पर, उसे भी उजागर कर दिया है। अब वो जानकारी पहली बार निकलकर सामने आई कि शाहरुख खान ने आर्यन खान को लेकर समीर वानखेड़े से क्या कहा था, क्योंकि शाहरुख खान ने उस दौरान कोई भी बयान मीडिया में नहीं दिया। इसे लेकर भी शाहरुख खान की काफी चर्चा हो रही थी। कई लोग शाहरुख खान की तारीफ भी कर रहे थे कि आखिर शाहरुख खान ने इतना पावरफुल होने के बावजूद भी संयम किस तरीके से बरता, जबकि उनका बेटा जेल में था। लेकिन अब वो जानकारी सामने आई जिसमें शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच व्हाट्सएप पर क्या बातचीत हुई थी, कोर्ट में समीर वानखेड़े ने वो बातचीत बता दी है। साथ ही समीर वानखेड़े ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ जो सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है, ये बदले की भावना से की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर है कि समीर वानखेड़े आखिर उस व्हाट्सएप चैट को अब क्यों उजागर कर रहे हैं, और क्या ऐसी वजह रही कि समीर वानखेड़े उस चैट को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल शाहरुख खान की एक मैनेजर है, नाम है पूजा ददलानी। इनको आपने कई मौकों पर शाहरुख खान के साथ देखा होगा। पूजा ददलानी ने ही एक बयान दिया था, जिसके आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू की। पूजा ददलानी का कहना है कि शुरुआत में 25 करोड़ की मांग की गई थी, लेकिन सौदा 18 करोड़ में तय हुआ था। उन्होंने टोकन मनी के रूप में 50 लाख रुपए का बैग जो है वो केपी गोस्वामी को दे भी दिया था, जो कि गवाहों में से एक था। लेकिन इन आरोपों के बीच खुद को घिरता देखते हुए उन्होंने अब समीर वानखेड़े ने उस चैट को उजागर किया है। चैट में क्या कुछ है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल चैट में शाहरुख खान जो है वो समीर वानखेड़े से कहते हैं कि मेरे और मेरे परिवार पर दया करें, ये कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन खान के प्रति नर्म रुख दिखाएं। तो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही इस चैट में ये भी शाहरुख खान कहते हैं, जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक, कि मैंने कोई बयान नहीं दिया, मुझे आप पर भरोसा है। इतना नहीं, इस चैट में शाहरुख खान समीर वानखेड़े से ये भी कहते हैं दावे के मुताबिक, आपसे अनुरोध है आर्यन को जेल में न रखें, वो टूट जाएगा। साथ ही शाहरुख खान ये भी कहते हैं, जानता हूं इस तरह से बात करना गलत है, एक पिता के तौर पर इस तरह से बात कर रहा हूं। तो ये चैट शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच में तब हुई जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई इस मामले में, ड्रग्स के मामले में, और इसके बाद चीजें जो है वो आगे बढ़ी। हालांकि आर्यन खान को इस बीच जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन अब जो सनसनीखेज दावे हुए हैं, जिसमें समीर वानखेड़े पर आरोप लगा है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की उगाही करने की कोशिश की। साथ ही शाहरुख खान समीर वानखेड़े से ये भी कहते हैं कि समर्थन के लिए आपका शुक्रिया। तो दावे के मुताबिक ये चैट निकलकर सामने आई है, जिससे समीर वानखेड़े ने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन बड़ी बात ये भी है, इस चैट के सामने आने के बाद इसका अगर छोटा सा विश्लेषण करें तो समर्थन करने के लिए आपका शुक्रिया, संभवतः ये किस समर्थन की बात यहां पर शाहरुख खान जो है वो समीर वानखेड़े से कर रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। आर्यन खान के प्रति नर्म रुख अपनाएं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर दोषी पाया जाए मेरा बेटा, तो आप उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, देश और कानून सबसे बड़े हैं। लेकिन यहां पर चैट के आधार पर दावा किया जा रहा है, शाहरुख खान ने कहा कि आर्यन खान पर नर्म रुख अपनाएं। क्या एक बाप के तौर पर शाहरुख खान इस बात को कह रहे थे, या इसके पीछे कोई और भी कई बड़ी वजह थी, ये सब चीजें जो है अब जांच के साथ निकलकर सामने आएंगी। लेकिन बड़ी बात यह भी है
कि समीर वानखेड़े जो हैं वो इससे पहले एक सख्त ऑफिसर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन जिस तरीके से कार्डिया क्रूज पर ड्रग्स की रेड मारने के बाद में उन्होंने आर्यन खान पर हाथ डाला, उसके बाद वो लगातार विवादों में घिरते चले गए। शुरुआत में उनकी तारीफ भी हुई, लेकिन अब इस चैट के सामने आने के बाद में मुमकिन है कि समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के इस एपिसोड में एक नया चैप्टर जल्दी आपको ऐड होता नजर आएगा और जो कुछ जानकारी से निकलकर सामने आएगी, क्योंकि पूजा डडलानी के बयान के आधार पर सारी कार्रवाई हुई है, और भी जो जानकारी निकलकर सामने आएगी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।